सोनू सूद की उड़ रही है जमकर ट्रोलिंग, शबरी के बेर से कर दी थूक की रोटियों की तुलना, कंगना और सोनू सूद आमने सामने। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की। सोनू सूद अक्सर लोगों की मदद करने के लिए खबरों में बने ही रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से सोनू सूद खबरों में हैं, वो भी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए नहीं बल्कि एक विवाद के चलते। दरअसल सोनू सूद ने एक ट्वीट में अपनी तुलना भगवान श्री राम से कर दी है। उन्होंने भगवान श्री राम और शबरी को लेकर ट्वीट किया था। सोनू सूद ने इस ट्वीट के बाद भाजपा की सांसद कंगना रनौत से सोनू सूद पर निशाना साध दिया है। 22 जुलाई को सावन की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि कांवड़ियों वाले रूट पर खाने पीने की चीज़ों की दुकानों के बाहर दुकानदारों और काम करने वालों के नेम प्लेट लगाए जाएँ। इसके लेकर विपक्षी दलों की तरफ से विवाद किया गया। इसी बीच सोनू सूद ने भी इसी आदेश को लेकर ट्वीट कर दिया। सोनू सूद ने कहा कि हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होना चाहिए और वो भी ह्यूमैनिटी का। इसी के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होगा जिसमें दुकानदार लोगों के खाने में थूक लगाता नजर आया। ऐसे में यूजर सुधीर मिश्रा ने सोनू सूद को टैग करके लिखा कि थूक लगी रोटी सोनू सूद को पार्सल कर देनी चाहिए ताकि उन्हें भाईचारा सही से आता रहे। इसी ट्वीट पर जवाब देते हुए सोनू सूद ने लिखा, हमारे श्री राम ने जब शबरी के बेर झूठे खाए थे, मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। जय श्री राम। सोनू सूद के इसी ट्वीट से जुड़ी एक न्यूज के रिपोस्ट करते हुए कंगना रनौत ने लिखा कि आगे सोनू सूद जी भगवान और धर्म पर होकर व्यक्तिगत निष्कर्षों के आधार पर एक और अपनी खुद की रामायण डायरेक्ट करेंगे। वाह क्या बात है, बॉलीवुड से एक और नई रामायण निकलेगी। इसी के बाद काफी लोग कंगना रनौत के सपोर्ट में आ गए, तो वहीं सोनू सूद को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।